पिछले 45 दिन में कम से कम 30-32 बार हुआ होगा, आप और हम यहां बैठ के बात करते रहे होंगे। कम से कम 10 बार आप जाके, आपके लोग जाके सरकार से बातचीत कराए हैं, मंत्रियों से मिलाए हैं। कहीं सरकार ने उस कहाँ कर मीटिंग गए? में या हाँ टीवी पर किसी ने आपसे कहा बैठ के कि हम गोली चला देंगे किसानों पे? जब दोनों तरफ से बात यही हो रही है कि बातचीत से हल निकाल लेंगे, ना, तो बार बार आप ये गोली चलाने का जिक्र क्यों ले आते हैं कि गोली चला बात दो, जब ही गोली तो चला बात कर दो, रहे हैं, गोली क्यों नहीं चला देते, गोली चला के हटा दो? चला है ना। अरे हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार राजस्थान से किसान आ रहे, वे हाईवे पर कुछ जाने लग रहे, उनके ऊपर आप टियास गैस का इस्तेमाल करोगे, चलते हुए लोगों के ऊपर वे कोई रास्ता जाम कर रहे। मतलब रिवाड़ी के अंदर क्या हुआ? अगर ये पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग अंबाला से आ रहे थे जब पिछली बार 26 तारीख में, तो क्या हुआ भाई? सड़क खोदी, एनएच को खोदने का किसने राइट दे दिया? कोई वहां पे पाइपलाइन डालनी थी, एनएच को खोदा गया। हरियाणा सरकार से तो कोई लड़ाई थी नहीं, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के हमारे इशू है। हरियाणा क्यों बीच में आ रहा, क्यों उत्तर प्रदेश बीच में आ रहा, क्यों आते हो बीच में? अभी दिल्ली पुलिस रोकेगी, हम वहां रुक जाएंगे, रुके हैं ना, सिंघू बॉर्डर पे, टिगरी बॉर्डर पे, ढासा बॉर्डर पे, सब जगह दिल्ली पुलिस ने रोक रखे। उत्तर प्रदेश वाले बॉर्डर पे तो हम वहां रुक के हम बैठे, उन्होंने भी टेंट गाड़ दिए, हमने भी टेंट गाड़ दिए। दिल्ली सरकार से बात चल रही, भारत सरकार से कोई बातचीत होगी, अपना चले जाएंगे, और नहीं तो अपना चलने दो। ये बीच में ये स्टेट क्यों पंगा ले रही? ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के सबसे ज्यादा वफादार हम हैं? ये क्यों लेना चाहती है पंगाबाजी? भाई केंद्र के मंत्री होंगे, वे आए, जवाहर यादव, उनकी वे बात का जवाब देना दीजिए, पड़े फिर गौरव बयानबाजी। वल्लभ और कृष्णवीर चौधरी को लाते, ठीक है? जवाहर यादव, जवाहर यादव, उनकी बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हमारा राजनीतिक मसला देखिए, नहीं है, ये हमारे यहां तो बीजेपी के आज नेता भी हरियाणा कंबल भेज रहे सरकार, हैं, वो खुद कह रहे हैं। देखिए राकेश टिकैत जी से भारतीय जनता पार्टी की भी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी किसान नेता से लड़ाई नहीं है, परंतु आज कौन से हरियाणा सरकार गई थी किसानों के सिंधु बॉर्डर पे या कहीं रोकने के लिए? आज जो किसान के नाम पे भेड़िया है, और इसमें मैं नाम कोट करके कहता हूं, गुरनाम सिंह चडूनी, उस व्यक्ति की मैं भाषा बताता हूं, अपने आप को कहता किसान है, धंधा करता है आड़ती का, और भाषा होती है गुंडे वाली, मैं कोट करके कह रहा हूं, उस व्यक्ति के कराया कराया है, इसमें मैं राकेश टिकैत जी को दोष नहीं देता, कराने वाला व्यक्ति का नाम कोट करके बता रहा हूं। और दिक्कत क्या, अभी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कल की स्टेटमेंट है कि मेरे समय में किसान आंदोलन क्यों नहीं होते थे, तो बताना चाहिए गुरनाम सिंह चडूनी जी को, जब 2 रुपए के, 5 रुपए के किसानों को चेक मिलते थे मुआवजे के, उस समय किसान आंदोलन क्यों नहीं होते थे? इनके समय में अधिकतम किसानों को मुआवजा 6,000 रुपए मिलता था, स्वामीनाथन ने 10,000 के लिए कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12,000 दे रहे हैं, फिर भी आंदोलन क्यों करता है गुरनाम सिंह चडूनी? ये देखना चाहिए कि वो किसका एजेंट है। 2 रुपए लेके किसान कैसे खुश हो सकता है? आज 12,000 रुपए लेके खुश नहीं है। हमारे यहाँ बाजरा कभी नहीं खरीदा जाता था MSP पर, आज राजस्थान में 1,100-1,200 रुपए में बिक रहा है, हम 2,150 रुपए में खरीद रहे हैं, फिर भी किसान आंदोलन है। तो ये किसान समझता है, इसलिए योगेंद्र यादव रो रहे हैं कि हरियाणा का किसान क्यों नहीं शामिल हो रहा है इसमें, इसलिए गुरनाम सिंह चडूनी जी का दर्द यही है कि किसी भी तरह गुंडागर्दी के दम पे किसान जो समझना चाहते हैं उनको समझने ना दें, जो राजनीतिक पार्टी के लोग अपने बात रखना चाहते हैं वो किसी कीमत ठीक पर है। रखने दाते। आप डिप्टी स्पीकर की ओके गाड़ी पे हमला करोगे, ओके ये कहोगे कि उसको जाति से बाहर कर दिया, उसके गांव पे प्रतिबंध लगा दिया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि लोकतंत्र में राजनीतिक विचार अपने रखने चाहिए, तो क्या ये हमारा हक नहीं है क्या? लोग हमें नकार दे, हमें समझ में आएगा 2024 में लोग ठीक तय है। करेंगे कि हम ठीक है या गलत है, ओके। परंतु आपको अपनी बात करनी है, राजनीतिक उससे आप भी रखिए, हम भी रखेंगे, ओके। परंतु किसानों को देखना होगा। राकेश जी मेरा आपसे निवेदन है, ओके। कुछ लोग आपके आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, मैं नाम कोट करके कह रहा हूं, ऐसे लोगों के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए।